असलम फ्रेंड्स में आपका दोस्तों आप देख रहे हैं बलोचे एडिट यूट्यूब चैनल का इसलिए आ चुका हूँ आपके लिए एक लेटेस्ट थंबनेल ट्यूटोरियल इस तरह का एच डी आर थम कैसे बना सकते हैं तो आज की वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है इसलिए वीडियो को एंड तक देखना तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड इसके लिए आपको पिक्स आर्ट एप्लीकेशन की जरूरत होगी ठीक है पिक्स आर्ट एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस होता है पिक्स आर्ट का ठीक है इसको अपने फ्रेंड सिंपल करना के नीचे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है जो नीचे प्लस वाला ठीक है थीके? इसके बाद जो भी प्लेयर यानी जिस प्लेयर की भी आपने थंबनेल बनाना हो उसकी पिक्चर डाउनलोड कर लेना या फिर उसको खेलते हुए स्क्रीन शॉट ले लेना ठीक है यहां पे मैंने एक स्क्रीन शॉट लिया हुआ है विराट कोहली का ठीक है इसको यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया ऐड करने के बाद नीचे आपने टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ये क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला सिक्सटीन बाय नाइन इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है तो ये आपका थम साइज़ सेलेक्ट हो जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स आपने सिंपल करना है कि नीचे आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपने फ्रेंड्स सिंपल यहाँ पे आ जाना है एंड पे यानी ये आपने नीचे यहाँ से ब्लर सेलेक्ट करना है ब्लर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बिल्कुल एंड पे मोशन ब्लर का इसको आपने सेलेक्ट करना है इसको आपने इस तरह से इसका जो ये डिस्पेंसर ठीक है, है इसको आपने एटी तक बढ़ा लेना है या फिर आप सेवेंटी तक रख सकते हैं जितना आपका दिल करे ठीक है बाकी किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना आपने ओके पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे ये इतना सा थामने रेडी हो चुका है इसके बाद फ्रेंड्स आपने सिंपल करना क्या है इसकी जो कलेरिटी है ठीक है थोड़ी सी पिक्चर की वो हम बाद में बढ़ाएंगे ठीक है अभी के लिए यहाँ पे बैठे टेक्स्ट लिखूंगा ठीक है टेक्स्ट लिखने के लिए आपने पैरेंट सिंपल करना है कि यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख देना है जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डोंट मैस डोंट मैस उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है ओके पे क्लिक करने के बाद इसको आपने सेलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको जहाँ रखना ऊपर ऐड कर लेना है ठीक है और उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे सी आल ऑप्शन पे क्लिक करना है फॉन्ट के ऑप्शन पे उसके बाद नीचे से माई फोन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने यूनिसेंस वाला फ़ोन सेलेक्ट कर लेना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डोंट वरी अबाउट इट तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद इसको जितना छोटा बड़ा रखना हो आपने यहाँ पे रख लेना है ठीक है मैं इसको इतना रखना चाहता हूँ ठीक है इसको यहाँ पे रखने के बाद थोड़ा सा ऊपर करूंगा यहाँ पे रखने के बाद आपने नीचे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ठीक है सॉरी सबसे पहले आपने इसको ऊपर से यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है ठीक है इस ऑप्शन पर क्लिक करके डुप्लीकेट करना है डुप्लीकेट जो आपने की है इसको आपने उसके ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है एडजस्ट करने के बाद फिर जो ऊपर आपने एडजस्ट किया है इसको सेलेक्ट करके कलर में आना है कलर में आने के बाद नीचे आपने ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है जैसे आप ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली इस तरह का ग्रेडियंट एक ऐड हो जाएगा आपके इस टेक्स्ट में तो आपने बिल्कुल भी कोई सेटिंग नहीं करनी इसकी ज़्यादा उसके बाद आपने ऊपर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है ये ऊपर मैं जहाँ पे टच कर रहा हूँ ठीक है इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आपने ये इन्वर्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो साइज़ है ठीक है इसका आप टेक्स्ट के हिसाब से साइज कर लेना ठीक है मैं इसका नाइन पे रख देता हूँ हार्ट पे ठीक है बुर्श का उसके बाद ये जो हार्डनेस है इसको बिल्कुल आपने जीरो कर देना है ठीक है जीरो करने के बाद आपने इसको इस तरह से जूम करना जूम करने के बाद आपने नीचे से आपने टेक्स्ट को इस तरह से शेडो देनी है ठीक है इस तरह से आपने इसकी शेडो देनी है तो इसी तरह से आपने तमाम फ़ोन पे शेडो दे देनी है इस तरह का जो हमने है वो आपने काफ़ी मरतबा देखा होगा ठीक है इसको भी थोड़ी सी शेडो दे, दे, दे देनी है नीचे से और इस तरह से आपने तमाम फ़ोन पे सेटिंग दे देनी है जल्दी जल्दी से तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ठीक है आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी सेटिंग करनी है कम्प्लीट ठीक है यहाँ पे मैं इसको और कर लेता हूँ थोड़ा ब्लर तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया ठीक है इसको आपने इस तरह से कर लेना है और उसके बाद जो डबल एस है ठीक है इसके ऊपर आप भी आपने इस तरह से कर लेना है और इसको भी आपने इस तरह से कर लेना है और इसके बाद आपने इसको बैक यानी जूम इन कर देना है और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना तो आपका ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद और टेक्स्ट ऐड करना है यहाँ पे आपने एक और टेक्स्ट ऐड करना है ठीक है डोंट मैस लिख दिया उसके बाद हम लिखेंगे विद मी या फिर विद किंग ठीक है जो भी लिखना वो लिख लेना उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना ओके okay, पे क्लिक करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा हम कम करेंगे इस तरह से और इसकी सेटिंग थोड़ी और करेंगे ठीक है आपने नीचे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है जो आपको ऑप्शन मिलता है सॉरी ये ये वाला ठीक है ये स्पेसिंग वाला इसको आपने ओके पे क्लिक करना है जो ऊपर करेक्टर वाली सेटिंग है ना इसको अपने थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देना है ये थोड़ा और इस तरह से बढ़ जाएगा थोड़ा मैं इसको इस तरफ ट्रैक करूँगा ताकि एच और के थोड़ा सा नजर आए हमारी इमेज के बाद ठीक है और इसके बाद आपने फ्रेंड सिंपल करना है कि नीचे आपने कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ग्रेडियंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है ठीक है ये जो व्हाइट वाला कलर है इसके ऊपर आपने सेलेक्ट करना है और इसको कर देना है येलो ओके पे क्लिक कर देना है ठीक है और उसके बाद आपने ये जो ब्लैक है इसको सेलेक्ट करना है और इसको कर देना है आपने यहाँ पे ऑरेंज ठीक है कुछ इस तरह से ऑरेंज और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना तो इस तरह का ये टेक्स्ट बन के रेडी हो जाएगा आपका ठीक है इसके बाद आपने फ्रेंड सिंपल करना क्या इसको यहाँ पे ऐड कर लेना और ओके पे क्लिक कर देना इसके बाद फ्रेंड्स आपने नीचे ऐड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना ठीक है जो आपने स्क्रीन शॉट ऐड किया ठीक है उसको दोबारा से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और ऐड पे क्लिक कर देना ठीक है ऐड पे क्लिक करना इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा लेंगे और फिर आपने क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जितनी इमेज आपने रखनी है ठीक है उतनी आपने यहाँ से क्रॉप कर लेनी है ठीक है यहाँ से क्रॉप करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने रिमूव डॉट बीजी यानी रिमूव बीजी के ऑप्शन पे क्लिक करना और रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा ठीक है बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद आपने फ्रेंड सिंपल करना है इसको आपने इस फोटो के ऊपर ऐड करना होगा और थोड़ी सी सेटिंग करनी है फिर आपका थामनेल बनकर रेडी हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो चुका है और नीचे जो हमने इमेज लगाई थी ठीक है सेम टू तो सेम उसके ऊपर आपने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है ठीक है कुछ इस टाइप से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया ठीक है यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया एडजस्ट करने के बाद नीचे शेडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, शेडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे ओपेसिटी को 100 परसेंट कर देना है और उसके बाद पोजीशन पे आके इसको आपने जीरो जीरो कर देना है ठीक है ज़ीरो जीरो करने के बाद आपने फ्रेंड इसका जो कलर है वो आपने येलो दे देना है ठीक है जो हमारा थम है तो थंबनेल का कलर होना चाहिए ठीक है और उसके बाद आपने यहाँ पे बॉर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करना है इसको भी आपने येलो दे देना ओके पे क्लिक कर देना तो इतना आप रखा बन के रेडी हो चुका है नीचे थोड़ा से थोड़ा सा ये रेड पट्टी के ऊपर आ रहा है तो इसलिए हम इसको नीचे से एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है और इमेज की क्वालिटी आपने बढ़ानी हो तो इमेज को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे आना है यहाँ पे आपने क्लैरिटी वाले ऑप्शन पे आना है क्लैरिटी को आपने थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देना है क्लैरिटी को बढ़ाएंगे तो आपकी इमेज की क्लैरिटी बढ़ जाएगी बस इतनी सी सेटिंग करनी है और उसके बाद ओके 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 पे 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 क्लिक 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 कर कर देना देना करने के बाद बाकी आपने आपने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी ऊपर दोबारा और यहाँ पे आपने इसको और एडजस्ट कर लेना इसको यानी कि डाउनलोड कर लेना और हाँ डाउनलोड करने से पहले अगर कोई इमोजी वगैरह डालनी हो ठीक है यहाँ पे मैं स्टीकर पे क्लिक करता हूँ स्टीर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ऊपर इमोजी सेलेक्ट कर लेता हूं एंग्री इमोजी कोई भी इमोजी आप यहां पे लगा सकते हैं यहां पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद ठीक है इसको भी आपने यहां पे एडजस्ट कर लेना ठीक है अच्छे तरीके से यहां पे ठीक है इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद बस इतना लगा लेना और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना और इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना ठीक है डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी लाइट रूम को ओपन करना है तो मैं आ, तो मैं आ चुका हूँ अपनी लाइट रूम में और यहाँ आने के बाद तो आपने किसी भी ई के साथ इसको लॉग कर लेना या फिर फेसबुक के साथ कर लेना तो मैं यहाँ पे फेसबुक के साथ करने वाला हूँ इसको लॉग ठीक है तो फेसबुक के साथ लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरह का मेरा अकाउंट दोबारा से लॉगिन हो चुका है और इस अकाउंट में आने के बाद अपने फ्रेंड सिंपल करना क्या यहाँ पे आपने ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है ठीक है और यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड फोटो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और गैलरी पे क्लिक कर देना है ठीक है गैलरी पे क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको कोई भी मैं पी एन जी दे दूँगा ठीक है सॉरी डी एन जी ठीक है इस एप्लीकेशन इस पिक्चर का नाम होगा डी एन जी ठीक है उसको आपने डाउनलोड कर लेना है उसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आके आपने इसको तो ये मेरे पास एक इमेज पड़ी है ठीक है इसको मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया ठीक है आपको जो मैं थमनेल ना ये वाली पी मिलेगी ठीक है इसको ऐड कर लेना तो इसको मैंने यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, नीचे हाँ, कर ओपन करने के बाद ऊपर कुछ भी नहीं करना सिंपल सा काम कॉपी सेटिंग कर देना ठीक है कॉपी सेटिंग करने के बाद ऊपर आपने ये जो तो है ना ये सारे टिक रहने चाहिए ठीक है ऊपर आपने आपकी सेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे बैक आ जाना है बैक आने के बाद दोबारा से फ्रेंड्स यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है ठीक है ऐड पे क्लिक करने के बाद जो थंबनेल अभी आपने बनाया ठीक है उसको आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है ठीक है और वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इसको आपने इस तरह से ओपन कर इसके बाद आपने ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट सेटिंग ठीक है ये वाला ऑप्शन ठीक है पेस्ट सेटिंग इसको ओके करना और आपका थंबनेल बन के रेडी हो जाएगा देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी आपके सामने आ चुकी है ठीक है तो उसके बाद अगर आपको लाइट रूम चलानी आती है तो नीचे से आप इसकी लाइट वगैरह कलर करेक्शन कर सकते हैं आ, मुझे तो नहीं चलानी आती मैं सिर्फ यहीं एंड ड्रॉप वाला हूँ ठीक है कॉपी सेटिंग और पेस्ट सेटिंग बस इसके बाद आपने फ्रेंड से करना है ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और सेव कॉपी टू गैलरी डिवाइस कर लेना या फिर कोई और ऑप्शन होगा इसको सेव करने का मुझे नहीं पता ठीक है यहाँ पे ओके हो चुका है और ये हमारा थंबनेल बन के रेडी हो चुका है तो गाइस उम्मीद करता हूँ यार वीडियो अच्छी लगेगी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और जिस भी वीडियो पे आप ये वाला थमने लगाना उस वीडियो का लिंक मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना ताकि मैं भी देखूं कि आप थंबनेल बना रहे हैं मिलता तो नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज